प्रसाद जी द्वारा लिखित कहानी मथुआ। आज 7 दिन हो गए, पीने को कौन कहे, छुआ तक नहीं। आज 7वां दिन है सरकार। तुम झूठे हो, अभी तो तुम्हारे कपड़े से महका रही है। कौन कर रहा है? शराबी कर रहा है अपने मालिक से। मालिक ने कहा, तुम झूठे हो, अभी तो तुम्हारे कपड़ों से महका रही है। वह तो कई दिन हुए, 7 दिन से ऊपर कई दिन हुए, अंधेरे में बोतल उड़ेलने लगा था, कपड़े पर गिर जाने कर नशा भी न आया। और कहने को क्या क्या कहूँ, सच मानिए 7 दिन, ठीक 7 दिन से एक बूंद भी नहीं छुआ। ठाकुर सरदार सिंह हंसने लगे। लखनऊ में लड़का पढ़ता था, ठाकुर साहब भी कभी कभी वहीं आ जाते। उनको कहानी सुनने का चस्का था, खोजने पर यही शराबी मिलता। वह रात को दोपहर में कभी भी कभी कभी सवेरे भी आ जाता, अपनी लच्छेदार कहानी सुनाकर ठाकुर साहब को मनोविनोद करता। ठाकुर साहब ने हंसते हुए कहा, आज तो पियोगे ना? झूठ कैसे कहूँ, आज तो जितना मिलेगा सब पियूंगा। 7 दिन चने चबेने पर बिताए हैं, किस लिए? अद्भुत, 7 दिन तक पेट काट कर आज अच्छा भोजन ना करके तुम्हें पीने की सूझी है? यह भी सरकार, मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखद पूर्ण जीवन से अच्छी है। उसकी खुमारी में रुखे दिन काट लिए जाते हैं। अच्छा, आज दिन भर तुमने क्या क्या किया? मैंने, अच्छा सुनिए, सुबेरे कोहरा पड़ता था, मेरे धुआं से कंबल सा वह अभी सूर्य के चारों ओर लिपता था, हम दोनों मुंह छिपाए पड़े थे। ठाकुर साहब ने हंसकर कहा, अच्छा, जैसे मुंह छिपाने कोई कारण? 7 दिन से एक बूंद भी गले से ना उतरी, भला मैं कैसे मुंह दिखा सकता था? और 12 बजे जब 12 बजे धूप निकली तो फिर लाचारी थी। उठा, हाथ मुंह धोने में जो दुख हुआ सरकार, वह क्या कहने की। पास में बचे पैसे थे, चना चबाने की दाँत भाग रहे थे, कटकटी लग रही थी, पराठे वाले के यहाँ पहुंचा। धीरे धीरे खाता रहा और अपने को सेकता रहा, फिर घूमते किनारे चला। घूमते घूमते अंधेरा हो गया, बूंदे पड़ने लगी, तब कहीं भाग के आपके पास आया। अच्छा, जो उस दिन तुमने गडरी कहानी सुनाई थी, उसमें आसफुद्दौला ने उसकी लड़की का आंचल भुने भुट्टे के दानों के बदले मोतियों से भर दिया था, वह क्या सच है? सच? अरे, वह गरीब लड़की भूख से उसे चबा चबा कर थूकने लगी, रोने लगी। ऐसी निर्दयी दिल्लगी बड़े लोग ही कर सकते हैं। सुना है श्री रामचंद्र ने भी हनुमान जी से ऐसे ही की। ठाकुर साहब ठाकर हंसने लगे, पीट पकड़कर हंसते हंसते लूट हो गए। सांस बटोरते हुए सहन कर बोले, और बड़कपन किसे कहते हैं, कंगाल तो कंगाल, गधी लड़की, भला उसने कभी मोती देखे थे, चबाने लगी होगी। मैं सच कहता हूँ, आज तक तुमने जितने भी कहानी सुनाई, सब में बड़ी टीस थी। शहजादों के दुखड़े रंग महल के अभागिन बेगमों का निष्फल प्रेम, करुणा तथा पीड़ा से भरी हुई कहानियों ही तुम्हें आती हैं, पर ऐसी हंसा देने वाली कहानी और सुनाओ तो मैं अपने सामने ही बने शराब पिला सकता हूँ। शराब भूर से सुने हुए नावाई किस्से की, सोने के दिन अमीरों की रंगरलिया, दुखियों की दर्द भरी आहे, रंग महलों में घुल घुट घुट कर मरने वाली बेगमें, अपने आप में सिर से चक्कर काटती रहती हैं। मैं उनकी पीड़ा से थोड़ा सा रोने लगता हूँ। अमीर कंगाल हो जाते हैं, बड़े बड़ों के घमंड चूर होकर धूल में मिल जाते हैं, तभी तो दुनिया बड़ी पागल है। मैं उसके पागलपन को भुलाने के लिए शराब पीने लगता हूँ सरकार, नहीं तो ऐसी बुरी बला को गले कौन लगाता? ठाकुर साहब उगने लगे, अंगीठी में कोयला दहक रहा था, शराब सर्दी से टुटरा जा रहा था, वह हाथ सेकने लगा। शाशा नींद में चौककर ठाकुर साहब ने कहा, अच्छा जाओ, मुझे नींद लग रही है। वह देखो रुपया पड़ा है, उठा लो, लल्लू को भेजते जाओ। शराबी रुपया उठाया और धीरे से किसका? लल्लू था, ठाकुर साहब का जमादार। उसे खोजते हुए जब वो फाटक पर बगल वाली कोठरी के पास पहुंचा तो उसे सुकुमार कंठ से सिचकने का शब्द सुनाई दिया। वह खड़ा होकर सुनने लगा, तो सुअर रोता क्यों है? कुंवर साहब ने दो ही तो लाते लगाए, कोई गोली तो नहीं मार दी? करकर स्वर में लल्लू बोला था, किंतु उत्तर में सिसकियों के साथ एकाएक हिचकी ही सुनाई पड़ती थी। अब और भी कठोरता से लल्लू ने कहा, मथुआ जरा सो रहा, नखरा ना कर, नहीं तो उठूंगा तो खाल उधेड़ दूंगा, समझा ना? शराबी चुपचाप सुन रहा था। बालक की सिसकी ओर बढ़ने लगी, फिर उसे सुनाई पड़ा,
ले अब भागता है कि नहीं। क्या मार खाने पर तुला है? भयभीत बालक बाहर चला जाता है। शराबी ने उसके छोटे से सुंदर गोरे मुख को देखा, आंसू की बूंदें ढुलक रही थी। बड़े दुलार से उसका मुंह पोंछते हुए उसे लेकर फाटक के बाहर चला गया। 10 बज रहे थे, कड़ाके की सर्दी थी। दोनों चुपचाप चलने लगे। शराबी की मौन सहानुभूति को उस छोटे से सरल हृदय ने स्वीकार कर लिया था। वह चुप था। अभी वह एक तंग गली पर रुका ही था कि बालक ने फिर सिर से सिसकियां, फिर से सिसकियां कि आठ उसे लगी। वह झड़क कर बोला, अब क्या रोता है रे छोकरे? मैंने दिन भर से कुछ नहीं खाया। कुछ नहीं खाया? इतने बड़े अमीर के यहाँ रहता है और दिन भर कुछ नहीं खाने को मिला? यही कहने तो मैं गया था जमादार के पास। मार तो रोज ही खाता हूँ, आज तो खाना ही नहीं मिला। कुंवर साहब का ओवरकोट लिए खेत में दिन भर साथ रहा। 7 बजे लौटा तो और भी 9 बजे तक कुछ काम किया। आटा रख नहीं सका, रोटी बनती कैसे? जमादार से कहने गया था। भूख की बात कहते कहते बालक के ऊपर उसकी दीनता और भूख एक साथ जैसे आक्रमण कर दिया हो, फिर से हिचकिया लेने लगा। शराबी उसका हाथ पकड़ के घसीटता हुआ गली में ले गया। एक गंदी कोठरी का दरवाजा ढकेल कर बालक को लिए भीतर चला गया। टटोलते हुए सलाई से मिट्टी की ढेबरी जलाकर एक फटे कंबल के नीचे कुछ खोजने लगा। तब पराठे का टुकड़ा मिला। शराबी ने उसे उस बालक के हाथों में देकर बोला, तब तक तू इसे चबा, मैं तेरा गड्ढा भरने के लिए कुछ और ले आऊं। सुनता है रे छोकरे, रोना मत, रोएगा तो खूब पीटूंगा। मुझे रोने से बड़ा बैर है, पाजी कहीं क्या मुझे भी रुलाने का। शराबी गली से बाहर भागा। उसके हाथ में 1 रुपया था। बाहर आने का एक देशी अड्डा और दो देसी अड्डा और दो आने की चाय, दो आने की पकौड़ी, नन्नी नन्नी आलू मटर, अच्छा न सही, चारों ओर चार आने का मासी ले लूँगा। पर यह छोकरा, इसका गड्ढा तो जो भरना होगा, ये कितना खाएगा और क्या खाएगा? ओह, आज तक तो कभी मैंने दूसरों के खाने का सोच विचार ही नहीं किया, तो क्या ले चलूँ? भले एक अंडा ही ले लूँ। इतना सोचते सोचते उसकी आंखों पर बिजली के प्रकाश झलक पड़े। उसने अपने आप को मिठाई की दुकान पर खड़ा पाया। वह शराब लेना भूलकर मिठाई पूरी खरीदने लगा। नमकीन लेना भी ना भूला। पूरे 1 रुपये का सामान लेकर दुकान से हटा। जल्द पहुंचने के लिए वह एक तरह से दौड़ने लगा। अपने कोठारी में पहुंचकर उसने दोनों की बात बालक के सामने सजा दी। उनकी सुगंध से बालक के गले में एक तरवट पहुंची। वह मुस्कुराने लगा। शराबी ने मिट्टी की गगरी से पानी उड़ेलते हुए कहा, नटखट कहीं क्या हंसता है? सूदी बस नाक में ना पहुंची ना, ले खूब ठूस कर खा ले। और फिर रोया कि पीटा। दोनों ने बहुत दिन पर मिलने वाले दो मित्रों की तरह साथ बैठकर फटफट भोजन किया। सीधी जगह से सोते हुए बालक ने शराबी का पुराना कोट ओढ़ लिया था। तब उसे नींद आ गई थी, तो शराबी भी कंबल तान कर बड़बड़ाने लगा। सोचा था आज 7 दिन बाद भरपेट पीकर सोऊंगा, लेकिन छोटा सा रोना पास जी, जाने कहाँ से आदम का। एक चिंता पूर्व आलोक ने आज से पहले पल शराबी की आंखें खुल कर कोठारी में बिखरी हुई दरिद्रता की विभूति को देखा, और देखकर उस घुटने की टुड्डी लगाए हुए निहीर बालक को उसने तिलमिलाकर मन ही मन प्रश्न किया, किसने ऐसे सुकुमार फूल को कष्ट देने की निर्दयता की सृष्टि की? आहरी नीति, तब इसको लेकर मुझे घर बारी बनाना पड़ेगा क्या? दुर्भाग्य जिसे मैंने कभी सोचा भी ना था, मेरी इतनी माया ममता जिस पर आज तक केवल बोतल का ही पूरा अधिकार था, इसका पक्ष क्यों लेने लगी? इस छोटे से पाजी ने मेरे जीवन के लिए कौन सा इंद्रजाल रचने की बिना उठाई है? तब क्या करूं, कोई काम करूं? दोनों का पेट कैसे चलेगा? नहीं, भगा दूंगा, इसे आंखें तो खोले। बालक अंगड़ाई ले रहा था, वह उठ बैठा। शराबी ने कहा, ले उठ कुछ खा ले, अभी रात का बचा हुआ है, और अपनी राह देख। तेरा नाम क्या है रे? बालक ने सहज हंसी के साथ कहा, मथुआ। भला हाथ मुंह भी ना धो खाने लगूं और जाऊं कहाँ बताऊं उसे के चला जाए, कौदों की भाड़ में जाए? किंतु वह आज तक दुख की भट्टी में जलता रहा है। तो वह चुपचाप घर से झल्ला कर सोचता हुआ निकला। ले पाजी, यहाँ लौटूंगा ही नहीं, तू ही रह इस कोठरी में। शराबी घर से निकला, घूमती किनारे पहुंचा। उसे स्मरण हुआ कि वह
कितनी ही बातें सोच आ रहा था पर कुछ भी सोच ना पा रहा था। हाथ मुंह धोने में लगा, उजली धूप निकल रही। वह चुपचाप घूमती की धारा को देख रहा था। वह धूप में गर्मी से सुखी होकर चिंता भुलाने का प्रयत्न कर रहा था कि किसी ने पुकारा, भले आदमी रहे कहाँ, सालों पर दिखाई दिए, तुम्हें खोदते खोदते मैं थक गया। सराबीन चौंक कर देखा, कोई जान पहचान का मालूम होता था पर कौन है यह ठीक से ना जान पाता। उसने कहा, तुमसे कह रहा हूँ सुनते हो, उठा ले जाओ अपनी शान धरने की कल, नहीं तो कल सड़क पर फेंक दूंगा। एक ही तो कोठरी जिसमें मैं 2 रुपये किराए देता हूँ, उसमें क्या मुझे अपना कुछ रखने के लिए नहीं है? ओह राम जी, तुम हो भाई, मैं तो भूल गया। तो चलो आज ही उसे उठा लाता हूँ, कहते हुए शराबी ने सोचा। अच्छी रही, उसी को बेचकर कुछ दिन तक काम चलेगा। घूमती नहाकर राम जी पास ही उसने घर पहुँचा। शराबी की कल देते हुए उसने कहा, ले जाओ किसी तरह मेरा पिंड छूटे, बहुत दिनों पर आज उसको कल ढोना पड़ा। किसी तरह अपनी कोठारी में पहुंचकर उसने देखा कि बालक चुपचाप बैठा है। बड़बड़ाते हुए उसने पूछा, क्यों रे, तूने कुछ खा लिया कि नहीं? भर पेट खा चुका हूँ और वह देखो तुम्हारे लिए भी रख दिया है, कहकर उसने अपनी स्वाभाविक मधुर हंसी से उस रूखी कोठरी को तर कर दिया। शराबी एक क्षण चुप रहा, फिर चुपचाप जलपान करने लगा। मन ही मन सोच रहा था कि यह भाग्य का संकेत नहीं तो और क्या है। चलो फिर शान देने का काम चलाता हूँ, दोनों का पेट भरेगा। वही पुराना चरखा फिर सिर पर आना, नहीं तो 2 बातें से कहानी इधर उधर कहकर अपना काम चला ही लेता था, पर अब तो बिन कुछ कि ये घर नहीं चलेगा। जल पीकर बोला, क्यों रे मथुआ, अब तू कहाँ जाएगा? कहीं नहीं, यह लो तो फिर यहाँ जमा गाड़ी है कि मैं खोद खोद कर तुझे मिठाई खिलाता रहूँगा। तब कोई काम करना चाहिए, करेगा जो कहो। अच्छा तो आज मेरे साथ साथ घूमना पड़ेगा, या कल तेरे ले आया हूँ, चल आज तुझे शान देना सिखा देता हूँ। कहाँ रहूँगा इसका कुछ ठीक नहीं, पेड़ के नीचे रात बिता सकेगा ना, कहीं भी रह सकूंगा पर उस ठाकुर की नौकरी ना कर सकूंगा। शराबी ने एक बार स्थिर दृष्टि से उसे देखा, बालक की आंखें दृढ़ निश्चय का सौगंध खा रही थी। शराबी ने मन ही मन कहा, बैठे बिठाई यह हत्या कहाँ से लगी, अब तो शराब न पीने की भी सौगंध लेनी पड़ी। वह साथ ले जाने वाली वस्तुओं को बटोरने लगा, एक गट्ठर और दूसरा कल का, 2 बोझ हुए। शराबी ने पूछा, तू किसे उठाएगा? जिसे कहो। अच्छा, तेरे बाप जो मुझे पकड़े तो कोई नहीं पकड़ेगा। चलो, मेरे बाप कभी के मर गए। शराबी आश्चर्य से मुंह देखता हुआ कल उठाकर खड़ा हो गया। बालक ने गदरी ला दी, दोनों कोठरी की ओर चल पड़े। समाप्त हो गया।